सो गाइस जल्दी जल्दी से अपना कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं अभी जिस मूवी के ऊपर रिव्यू करूंगा उसके बारे में सुन के या जान के भाई आपकी गोटी से पॉटी निकल जाएगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किल मूवी के ऊपर, स्टारिंग भाई लक्ष्य और राघव जुएल। अब देखो लक्ष्य भैया जो किरदार निभाया इस मूवी में, मतलब क्या बोले भाई, क्या क्या किरदार निभाया भाई, उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। और राघव भैया एक देखो फनी कैरेक्टर है, फनी इंसान है रियल लाइफ में, लेकिन इस मूवी के अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, मतलब लाजवाब। और भाई जो स्टोरी था बहुत ही सिंपल एक स्टोरी है, लेकिन वो जो सिंपल स्टोरी है भाई आप आंख नहीं हटा पाओगे पूरा 1 घंटे 55 मिनट तक मूवी का ड्यूरेशन है। और ऊपर ही ऊपर आप भाई खुद को वहाँ पर इमेजिन करोगे, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं अगर उस सिचुएशन पे होता तो मैं क्या करता, आप भाई यही सोचने लगोगे इस मूवी को देख के। मूवी का बजट भी भाई सुनने को मिला कि 15 से 20 करोड़ है। अब देखो 15 से 20 करोड़ में इतना बढ़िया मूवी बन सकता है, वो भी बॉलीवुड के अंदर, भाई हमने कभी नहीं सोचा था, जो कि भाई बहुत 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 अच्छे से भाई किया है मेकर्स ने। अब देखो मूवी एकदम से जो कि बॉलीवुड का नेचर है, एकदम स्टोरी का माँ बहन कर देना, जो कि नहीं किया है इस मूवी ने पूरा 1 घंटे 55 मिनट। तो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा भाई आपको भाई एंगेज करके रखेगा, और एकदम स्टोरी के अंदर ही, स्टोरी से इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। कोई ऐसे बेफालतू टाइप कोई सॉन्ग ही नहीं है, तो जो कि एक अच्छी बात है। और पूरा 1 घंटे 55 मिनट आपको भाई बहुत बहुत सस्पेंस मिलेगा, आपको बहुत फीलिंग लगेगा। और उधर जो भाई फाइट सीन है पूरा एक दिन तक भाई आपका भाई कोई, मतलब मेरा अभी भी फील हो रहा है, मैं भाई क्या क्या शब्द नहीं है उस मूवी के बारे में बात करने के लिए, मतलब इतना बढ़िया मूवी को लेकर हॉलीवुड ने भाई रीमेक बनाने के लिए भाई सोचा है। तो भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हॉलीवुड में भी जो भी रीमेक आप लोग करना चाहते हो तो उधर जिसको भी रखो भाई कास्टिंग में, लेकिन भाई मेन जो मेरा हमारा हीरो का जो कास्ट है उधर भाई प्लीज़ लक्ष्य भैया को रखो, क्योंकि उन्होंने जो एक्टिंग किया है इस मूवी में, मतलब क्या बोलो। उधर एक सीन था जब भाई हमारा जो हीरोइन है वो मर जाएगा, और भाई हीरो के सामने मरेगा, लक्ष्य भैया के सामने, और वहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है बंदे ने, उधर ही पूरा एकदम खेल ख़त्म, उधर ही खेल खेल गया पूरा। और कैसे मार रहा था यार, आप वो मूवी देखोगे और खुद इमेजिन करोगे कि वह आप हो उस सिचुएशन में, आप हो, आपको एक घुटन सी महसूस होगी उधर। और भाई एक एक बंदे को जब मारेगा लक्ष्य, तो आप भी बोलोगे मार, एक और मार, मेरे तरफ से भी मार, ऐसा मूवी है वो। बॉलीवुड में इतना दिनों बाद इतना अच्छा एक मूवी देखने को मिला। अब देखो ये किल जो मूवी है ना, ये भाई ब्रेकफास्ट में ही भाई 10 से 15 भाई बड़े में या छोटे में या आराम से भाई निकल जाएगा, ऐसा टाइप मूवी बनाने उन्होंने। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप जाओ थिएटर जाके देख के आओ। कल्की का मौसम चल रहा है, मेकर्स का भाई हिम्मत हुआ है कि भाई कल्की के मौसम में भाई मूवी को रिलीज़ करना और अच्छा खासा पॉजिटिव रिव्यू भी पाना। तो इसी के साथ चलिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, जाओ जाके भाई देख के आओ, मिस मत करना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।